प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ओनली इफ़ यू आर सीरियस अबाउट मैनिफेस्टेशन। इस स्टोरी में मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशंस भी होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे मैनिफेस्टेशन और इसका पूरा प्रोसेस समझने के लिए। मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, बट जब तक हम उसे यूज़ करने की ट्रिक को नहीं समझेंगे तब तक क्या कुछ मैनिफेस्ट हो पाएगा? नहीं। तो इसीलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली टिल द एंड। पेशेंटली इसे देखें, सुने और समझें। हाय एवरीवन, आई नो आप सब लोग एक सक्सेस स्टोरी के लिए वेट कर रहे थे एंड आई वॉज वेटिंग फॉर अ गुड सक्सेस स्टोरी, बिकॉज सस्ता मोटिवेशन तो हम खुद ही खुद को दे देते हैं रोज़ की। देखा, मैंने वो साइन मैनिफेस्ट कर लिया, मुझे एंजल नंबर्स दिखे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ होती हैं एंड By now we all are able to manifest little little things. लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी वहीं पर अटकी है कि बड़ी चीज़ें जो मेन गोल्स हमें लाइफ में मैनिफेस्ट करने हैं उस तक पहुँचने में प्रॉब्लम हो रही है। आई एम योर फ्रेंड एमा एंड आई एम इन द सेम जर्नी एज यू आर। मैं अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते करते आप तक भी वो मोटिवेशन पहुँचाना चाहती हूँ और आज हम लोग एक बहुत अमेजिंग सक्सेस स्टोरी सुनेंगे जिसको मैंने अच्छे से लिख लिया है आपके लिए। एंड आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड माई माइक, सो हियर्स द जुगाड़। सो ये कहानी है समीर की। समीर वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। फ़ोन बिल, लाइट बिल, घर का रेंट, गैस का बिल, बहुत सारी चीज़ें और जेब में एक भी पैसा नहीं। नो मैटर वो कितना भी जॉब में अपनी जान लगा देता, कितनी सारी मेहनत करता, पर पैसे कम पड़ जाते। इनफैक्ट आई थिंक वो दो जॉब्स कर रहा था एक टाइम पे। कभी कभी ना एज अ थर्ड पर्सन जब हम किसी और को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखते हैं बहुत सारे सजेशंस आते हैं हमारे माइंड में। अरे तो ये क्यों नहीं ट्राई करता, तो वो क्यों नहीं ट्राई करती, ये कर लेना, वो कर लेना। उस इंसान ने एक्चुअली में बहुत कुछ ट्राई कर लिया होता है, बहुत सारा टैलेंट होता है, हर एक चीज़, कम्युनिकेशन, टैलेंट, सब कुछ होता है, बट लक नहीं होता। आई नो सच पीपल इन माई रियल लाइफ एज वेल, जहाँ पर वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। There's something really stuck in the cosmos, ऐसा लगता है। So it's not really about talent and hard work every time. It's about the luck as well. और आप भी लाइफ में किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, एग्जाम्स हो, लव रिलेशनशिप हो, ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, If Samir can do this thing, we can do this as well. स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले मैं वीडियो के टाइटल के बारे में भी थोड़ी बात कर लेती हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग सक्सेस स्टोरी एंड एन अमेजिंग टेक्निक फॉर अस, जो कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने में हेल्प करेगी। हम हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस टेक्निक को यूज़ करके, जिसका नाम है बटरफ्लाई इफेक्ट। सो दिस इज़ नॉट रियली समथिंग टेक्निक, बट इट्स अ मेथड जिसके मदद से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर पाओगे, क्योंकि पता तो बहुत लोगों को है पर वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे ठीक से। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है, तभी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, और वही तो मेन प्रॉब्लम है, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज़ द बटरफ्लाई इफेक्ट, बटरफ्लाई मेथड, वो स्टोरी में पता चलेगा। समीर ने सारे बिल्स को देख कर ऐसी ही एक गहरी सांस छोड़ी। हर एक दिन एक स्ट्रगल की तरह फील होता था, मानो वो किसी एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जिसमें उसे पता है कि वो कभी जीत ही नहीं सकता। सब लोग उससे आगे निकल रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ लोगों के प्रमोशंस हो रहे हैं, शादियाँ हो रही है, लाइफ सेटल हो रही है, और यहाँ पे समीर पड़ा है होपलेस। और हर एक दिन बस एक जीने का स्ट्रगल लगता था। ही वॉज नॉट लिविंग, ही वॉज जस्ट सर्वाइविंग। देखो, जिंदा रहना और जीना दोनों अलग बात है, और ज़्यादातर दुनिया इसीलिए डिप्रेस्ड और निराश है क्योंकि वो सिर्फ ज़िंदा है, जी नहीं रहा है कोई भी। और ये ही सगड़ी धड़पड़ बोलते ना अपन, मतलब ऑल ऑफ दिस स्ट्रगल, ये सिर्फ इसीलिए हो रहा था कि हम जिए, जी सके थोड़ा सा। समीर लालची नहीं था, उसके कोई बहुत बड़े बड़े सपने नहीं थे कि एक बहुत सारे विलाज होने चाहिए, स्पोर्ट्स कार्स होने चाहिए, ऐसी वैसी क्लब वाली रात होनी चाहिए या लाइफ होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था।
ही जस्ट हैड बेसिक नीड्स. अब लाइफ ने उसको इतना स्टेज पे ला दिया था, ठोकरे खा खा के, फेलियर्स दिखा के, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, पार्टनर्स के एक्सपेक्टेशन, ये सब के थ्रू और फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन, अपने आप के अंदर जो युद्ध चलता रहता है कि क्या मैं ही गलत हूँ, क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ जो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बाकी लोग क्यों कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये जो कॉन्स्टेंट चलता है मन में, उससे लड़ना अपने आप से, ये सारी चीज़ों ने अब समीर की सारी एक्सपेक्टेशंस को यहाँ से यहाँ ला दिया था. अब उसे बस एक सुख शांति वाली पीसफुल लाइफ चाहिए थी जहाँ वो फ्री है, आज़ाद है इन सारे टेंशन से, स्ट्रेस से, फाइनेंशियली वो फ्री है, उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, उसे हर रात को ये नहीं सोचना कि अब मैं अगला रेंट कहाँ से लाऊँ, मैं अगला बिल कहाँ से भरूँ, मैं ईएमआई कैसे करूँ, अगर मैं ईएमआई करूँ तो फिर बाकी का महीना कैसे करूँ. एंड नो मैटर समीर कितना भी मेहनत करता, हर बार महीना ख़त्म होने से पहले ही पैसे ख़त्म हो जाते. मैं तो ऐसे ऐसे भी केसेस देखे जहाँ सैलरी आई, सैलरी गई, डन, बाकी पूरा महीना बस ऐसे ही 500-600 रुपए में गुजर रहे लोगों के. इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ देम, बी लकी, अभी के अभी थैंक यू बोलो यूनिवर्स को. ओके, सो समीर को बस अपने फैमिली को सपोर्ट करना था और एक सिक्योर लाइफ बिल्ड करनी थी खुद के लिए. एक रात कुछ चेंज हुआ, मैजिक हुआ. रात के 1 बजे थे, समीर माइंडलेसली स्क्रॉल करता जा रहा था. जब आपका कहीं पे भी मन नहीं लगता, मन में टेंशन होता है, यू जस्ट कीप स्क्रॉलिंग 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 स्क्रॉलिंग, क्योंकि वो आपको टेंशन के बारे में सोचने से बचा रहा है. एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग, इट्स बिकॉज आपको डर लग रहा है पढ़ाई करने से, आपको लग रहा है कि आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा, आप पढ़ भी लोगे तो आप पास नहीं हो पाओगे, इसलिए आप बस अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हो. लेकिन समीर के लिए ये स्क्रॉलिंग यूजफुल रही, उसको नेविल गोडार्ड का एक वीडियो मिला जिसमें लिखा था लिव इन द एंड टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, लिव इन द एंड टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स. क्या है इसका मतलब, सुनो. समीर ने कभी इस पर्सन के बारे में सुना नहीं था और उसे कोई भी आइडिया नहीं थी कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है. और जब उसने ये सब के बारे में पढ़ा, वो वीडियो सुना, उसे लगा कि शायद ये सच है भी या नहीं, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं एक अच्छी लाइफ नहीं मैनिफेस्ट कर पाया, तो अच्छी लाइफ नहीं जी पाया, तो क्या इस मेथड से मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ. और जब इंसान बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेता है लाइफ के किसी भी एरिया में, जब आप फेलियर फेस करते हो बार बार, तो एक ट्रस्ट इशू डेवलप हो जाता है कि अब तक किसी चीज़ ने मुझे हेल्प नहीं किया, ये चीज़ मुझे क्या हेल्प करेगी. बट यू नेवर नो, बस ट्राई करके देखना है हमें. समीर ने उस वीडियो को चलाया, वो सुनता रहा, चीज़ों को समझता रहा, और एक पॉइंट पे उसमें ये लिखा था कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ योर विश फुलफिल्ड, लिव इन द एंड एंड लेट गो ऑफ हाउ. इसे अब डिकोड करने की ज़रूरत है. अज्यूम करो यानी इमेजिन करो, ऐसे सोचो कि आपकी विश पूरी हो चुकी है. जैसे एग्ज़ाम पास हो जाओ, शादी हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, या जो भी है, एंड रिज़ल्ट क्या चाहते हो आप, उसको आपको सोचना है, सोच लेना है कि ये अभी अभी जस्ट पूरा हुआ है. फील दैट फीलिंग, फील द हैप्पीनेस, फील द एक्साइटमेंट, फील द रिलीफ, फील द ग्रैटिट्यूड, और इसके बाद लेट गो करना है. जब कोई चीज़ पूरी हो जाती है तो क्या फिर भी उसके बारे में सोचते हो? और मुझे पता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, जैसे हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन, फिज़िकल अपेयरेंस की सिचुएशन, समीर की बिल्स वाली सिचुएशन, जहाँ पे आप मन में तो मान लोगे बट प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे दिख रही है. तो उस केस में मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताती हूँ. आपने अगर बैंक में जाकर लोन मांगा है और उन्होंने कहा है कि ठीक है आपका लोन सैंक्शन हो गया है, यह आपको 15-14 डेज के बीच में मिल जाएगा, आप उतने ही खुश रहोगे जितना पैसे आपके हाथ में आने पर आप खुश रहोगे. क्यों? क्योंकि आपके मन को ऑलरेडी पता है कि लोन सैंक्शन हो चुका है, पैसे मिलने ही वाले हैं. अब तो लोन सैंक्शन हो चुका है, पैसे तो अब मिलने ही वाले हैं, बस ये 14 दिन काटने हैं किसी तरह. उस 14 दिनों में जो भी मुसीबतें आएंगी उनको भी आप फेस करोगे, लेकिन मन में एक विश्वास लेके फेस करोगे कि बस
अब मेरे पैसे मुझे मिलने वाले हैं, अब मिलने वाले हैं। उसी तरीके से जिस पल जिस क्षण आप अपने विश से रिलेटेड एक एंड रिज़ल्ट अपने माइंड में सोच लेते हो, ऐसा सोच लो कि बस मैंने सोच लिया, वहाँ से अप्रूवल मिल गया, अब ये निश्चित है, अब इसे कोई नहीं बदल सकता, अब आपको बस वेट करना है थोड़े टाइम तक, और जो भी उसके विपरीत अपोजिट सिचुएशन चल रही है लाइफ में फ़िलहाल, उसे आपको डील करना है हैप्पीली। हाँ ओके, समीर ने ये सारी बातें जब समझी, जैसे आप अभी अभी समझे, समीर एकदम शॉक होकर बैठ गया। उसे लगा कि क्या है ये, इज दिस सम काइंड ऑफ मैजिक, क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? लेकिन समीर अब इस पॉइंट पे था कि और उसके पास कोई रास्ता भी था नहीं, एंड ही वॉन्टेड टू गिव दिस अ ट्राई। और ये एक्चुअली सबसे बेस्ट पॉइंट है समीर के मैनिफेस्टेशन में, कि अब उसने सारी होप्स छोड़ दी थी, यानी कि उसके मन में कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। जब हम किसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैनिफेस्ट करते हैं कि चलो 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 अब मैं कर रही हूँ ये होगा, अब मैं कर रही हूँ ये होगा, तब वो थोड़ा सा डिलेड रिजल्ट देता है। तो मैनिफेस्टेशन करने का एक दूसरा तरीका ये है कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, करके देखते हैं। और पहला तरीका ये है कि मैंने सोच लिया ना, अब ये होगा ही, अब जब तक रियलिटी में वो दिखता नहीं तब तक चलते रहते हैं। सो एनी वे दैट हेल्प्स यू, यू कैन फॉलो दैट वे। समीर ने उस रात एक डिसीजन किया कि हर रोज़ सोने के पहले मैं अपना एंड रिज़ल्ट को इमेजिन करके सोऊंगा। समीर इमेजिन करता था कि वो बैंक में जा रहा है और अपना पासबुक चेक कर रहा है, उसका बैलेंस बहुत अच्छा है, जो भी उसको जितने भी पैसे उसको इमेजिन करने थे वो करता है। समीर अपने आप को फ्री, स्ट्रेस फ्री चलते हुए इमेजिन करता है, जैसे कि उसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, फ्री है, सारे बिल्स भरे हुए हैं, सारा EMI क्लियर है, सारा लोन क्लियर, एंड ही इज़ जस्ट हैप्पी एंड एन्जॉइंग हिमसेल्फ। ही इज़ यू नो टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, वो एक कंफर्टेबल अच्छे घर में रह रहा है जहाँ उसकी फैमिली सेफ है, हैप्पी है, उसको हैप्पीली वेलकम कर रही है, और वो अपने आप को खुश इमेजिन कर रहा था। ये एक शॉर्टकट है, अगर आप अपने आप को खुश देखते हो इसका मतलब नेचुरली सारी प्रॉब्लम्स गायब हो चुकी है, जैसे हर रोज़ के रेंट के बारे में सोचना, ग्रोसरीज़ के बारे में सोचना, कहाँ से क्या होगा, ये कोई चिंता नहीं है, बस सुकून है, शांति है, पीस है। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होती थी, उसका माइंड उससे लड़ता था और उसे बार बार रियलिटी याद दिलाता था कि ये क्या सोच रहा है, ये तो गलत है, वो सामने पड़े हुए बिल्स देख, रेंट का मैसेज देख, ये कर वो कर, बट उसने उन सारी बातों को इग्नोर करता गया और बार बार अपने इमेजिनेशन को एन्जॉय करता गया। आप इमेजिनेशन में जितना एन्जॉय करोगे उतना वो सच होगा, अगर आप ज़बरदस्ती एज अ टास्क इमेजिन करोगे तो उसका सच होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। समीर बस उन चीज़ों को जो भी वो अपनी इमेजिनेशन में देखता था, वो बस देखता नहीं था, वो उसे फील करता था, खुश होता था और एक्साइट होता था कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ, एटलीस्ट इमेजिनेशन में तो हो रही है। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचो कि मुझे तो फील करना नहीं आता, मैं कैसे फील करूँगा या करूँगी। आप नेगेटिव चीज़ें तो फील करते हो ना, हम सब डर को फील करते हैं, टेंशन फील करते हैं, एन्जाइटी फील करते हैं, उस समय भी हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता होता है। अगर हम नेगेटिव चीज़ें फील कर सकते हैं तो हम पॉजिटिव भी फील कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट हमारे माइंड को आदत नहीं है और हमें उसको आदत डालनी पड़ेगी, और हम डालेंगे। अब एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, समीर को अपना बोझ कुछ हल्का होता हुआ लगा, जबकि बाहर की उसकी दुनिया में कोई भी चेंज नहीं आया था, सारा चेंज वो सिर्फ यहाँ ला रहा था, एंड ही ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी, एंड दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसके बिना किसी के भी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सेम थी, फिर समीर को हल्का क्यों लग रहा था, उसका एटीट्यूड चेंज हुआ। सिचुएशन तो नेगेटिव है ही, पर वो जो खुद को और डिप्रेस कर रहा था, हेल्पलेस फील कर रहा था, लोनली फील कर रहा था, फेलियर फील कर रहा था, वो सब को हटाकर अब उसने एक आशा की किरण जगाई अपने मन में, उसने सपने देखना स्टार्ट किया, उसने पॉजिटिव फील किया और उसने बिलीव किया उसमें। इतना करने भर से उसका वजन उसका बोझ थोड़ा हल्का लगने लगा। और आपको पता है ना चीज़ें कब मैनिफेस्ट होती है, जब यहाँ कुछ चेंज होता है। यू अट्रैक्ट वॉट यू आर,
यू अट्रैक्ट वॉट यू फील. समीर स्टार्टेड फीलिंग गुड. समीर को अबंडेंट फील हो रहा था और वैसी ही चीज़ें अब उसके साथ होने वाली थी. ये टैब बहुत ही भारी है. अब उसने चिंता करनी छोड़ दी थी. उसे नहीं पता था कि पैसे कहाँ से आएंगे या क्या होगा, पर वो अपने इस ड्रीम में पूरी तरह बिलीव कर रहा था कि कुछ तो होगा, ज़रूर होगा, मुझे मदद ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैंने जो सोचा है उसे पूरा होना ही है. अब वो कैसे भी हो, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, दैट इज़ यूनिवर्सिस प्रॉब्लम. अब एक आफ्टरनून उसे एक कॉल आता है उसके फॉर्मर कलीग से, जो एक पर्सन उसके साथ बहुत पहले काम किया करता था, उसका फ़ोन आता है जिससे सालों में समीर की बात नहीं हुई थी. उस पर्सन ने अपना एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया था और उसे कोई चाहिए था मार्केटिंग और सेल्स में जो उसकी मदद कर सके, और समीर से बेटर ऑप्शन उन्हें कोई नहीं लगा क्योंकि वो समीर को पर्सनली जानता था. उन्हें एक ट्रस्टवर्दी इंसान चाहिए था क्योंकि ये न्यू बिज़नेस था और ये मार्केटिंग और सेल्स के बारे में था. वो समीर को एक बहुत अच्छी पोजीशन ऑफ़र कर रहे थे और सैलरी भी बहुत ज़्यादा दे रहे थे, जो उसकी करंट सैलरी से ज़्यादा थी, जिससे उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती और उसके पास एक्स्ट्रा पैसे भी बचते. एट फर्स्ट समीर वॉज स्पीचलेस, ये सच कैसे हो सकता है? लेकिन कलीग ने इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे तुम ही चाहिए मेरे साथ काम करने के लिए, ये सच है, ये कोई फ्रॉड नहीं है. समीर गया, उसका बिजनेस देखा, सब कुछ देखा, और जब फाइनली पेपर वर्क हाथ में आया तब समीर को ट्रस्ट हुआ कि हाँ ये सच है. एंड इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड. ओके, सो ऐसे ही इस नए बिजनेस में काम करते करते हफ्ते बीतते गए और समीर के पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आती गई. उसे फ्रीलांसिंग का काम मिलने लग गया, उसकी इनकम डबल से ट्रिपल होते गई, उसने अपने सारे लोन्स पे ऑफ कर दिए धीरे धीरे धीरे. और ये सब चीज़ें हम एक 20 मिनट में पढ़ रहे हैं, लेकिन समीर को ये करने के लिए हफ्ते और महीने लगे. उतना पेशेंस होना चाहिए. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही वॉज फीलिंग पीस, जिस पीस को वो हर रात इमेजिन करता था, अपने जिस इमेजिनेशन पे उसने ट्रस्ट किया था, फाइनली वो सच हो गया और उसे मिला सुकून. बट हियर्स द थिंग, नन ऑफ इट केम फ्रॉम वेयर ही एक्सपेक्टेड. अपॉर्चुनिटी उस जगह से आई जहाँ एकदम उम्मीद ही नहीं थी या वो सोचा ही नहीं था माइंड में बिल्कुल भी. जैसे कि यूनिवर्स मानो वेट ही कर रहा था कि कब तू सही ट्रैक पे आएगा और मैं तुझे अपनी सही गाड़ी से मिलवा दूंगा. और ये सेंटेंस मुझे बहुत पावरफुल लगा, जैसे कि सॉल्यूशंस ऑलरेडी हैं पर हम गलत जगह पे देख रहे हैं. और जगह का मतलब फ्रिक्वेंसी से है. हम परेशान हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर, किसी के एटीट्यूड को लेकर, लाइफ की सिचुएशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर हम परेशान हैं, बट हम जो हम सॉल्यूशन चाहते हैं उस पर ही हम फोकस नहीं हैं, तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. आपको किसी से मिलना है तो आप उसकी घर की दिशा में जाओगे ना, आप अपने ही घर में गोल गोल घूम रहे हो, अरे मिल ही नहीं रहा है वो पर्सन, तो कैसे मिलेगा. तो जब हम टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं बेकाम की, तब हम यही करते रहते हैं. तो अपने विशेस की फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट करने के लिए हमें अपने विशेस को एंड रिजल्ट में देखना होगा, मानो जैसे वो कंप्लीट हो चुकी हैं. और उस वक्त आपको जो परम सुख फील होगा उसको आपको फील करना है और बढ़ते रहना है. समीर सोच रहा था कि कैसे सब कुछ एक रात एक वीडियो ने चेंज कर दिया. एंड ही वॉज सो हैप्पी कि उसने वो स्टेप लिया, उसने मैनिफेस्टेशन पे अपनी एनर्जीज पे बिलीव किया और उसको समझ आ गया था कि बस एक चीज़ करने की देरी थी, अपने फोकस को लैक से अबंडेंस पे शिफ्ट करने की ज़रूरत थी. यानी जो जो कमियां हैं हमारे लाइफ में, जो जो बातें हमें इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, उनके बारे में रोने से, परेशान होने से, कंप्लेन करने से ज़्यादा अपने फोकस को शिफ्ट करिए आपके एंड रिज़ल्ट पे, कि आप सक्सेसफुल हो, आप हेल्दी हो, आप पीसफुल हो, आप एक बहुत प्यारे इंसान हो, आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हो हमेशा, सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही है. यहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर आओगे इस स्टेशन पे, तभी आपको ये वाली राइट ट्रेन मिलेगी. ठीक है. आई लव्ड दिस स्टोरी. और यहाँ पे लिखा है कि समीर की स्टोरी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इट्स अ स्टोरी अबाउट फेथ,
ये एक विश्वास की स्टोरी है। एंड समीर ने क्या यूज़ किया बटरफ्लाई इफ़ेक्ट का, समीर ने हर दिन बस एक छोटा सा काम किया कि उसने विजुअलाइज़ किया अपने एंड रिज़ल्ट को। वो एक काम, एक 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 करके वो काम ने इतना बड़ा असर दिखाया उसके लाइफ के हर एरिया में। एक विजुअलाइजेशन ने उसकी पूरे मूड को, एटीट्यूड को, पर्सनालिटी को चेंज कर दिया। और इन चेंजेस के वजह से उसका जॉब, उसका पैसा, उसकी और इस एटीट्यूड के वजह से उसका जॉब, उसका करियर, उसके पैसे, उसकी फैमिली, उसकी लाइफ सब कुछ चेंज हुई। दिस इज़ कॉल्ड बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, जहाँ पे एक छोटे मूवमेंट से पूरी चीज़ें चेंज हो जाती है। हम भी ये बटरफ्लाई इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हर रोज़ बस एक छोटा सा चेंज लेकर आना है, कोई भी चेंज हो सकता है। जैसे हर रोज़ आपको 5 ग्रैटिट्यूड के सेंटेंसेस लिखने हैं सोने से पहले, या फिर हर सुबह उठकर मैं बोलूँगी कि आज का दिन वंडरफुल होगा। छोटा सा चेंज, यू जस्ट हैव टू चूज़ वन थिंग, और मैं चाहती हूँ कि आप अभी चूज़ करिए उस चीज़ को। या कोई एक विश पकड़ लीजिए, कोई एक अफर्मेशन पकड़ लीजिए और आप सोचिए कि मैं इसे रोज़ करूँगी। कोई भी एक एक्टिविटी चुननी है, एक छोटा सा बदलाव चुनना है। जैसे मेरे लिए होगा कि स्माइल मोर, मैं अक्सर ज़्यादा स्माइल नहीं करती हूँ और लोगों को लगता है कि मैं किसी ना किसी बात से सैड हूँ या अपसेट हूँ, बट ऐसा नहीं होता। तो आई एम प्रैक्टिसिंग टू स्माइल मोर एवरी डे, विच इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई लाइफ। आई फील मोर हैप्पी, मेरा स्ट्रेस रिड्यूस हो गया है। मुझे जिन जिन बातों पर गुस्सा आता था और जहाँ मैं बैक आंसर देती थी, वो रिड्यूस हो गया है। और जब भी मैं स्माइल करती हूँ, मेरे मन में एक अजीब सा फेथ जगता है, जैसे समीर के मन में, कि एवरीथिंग इज़ सेट, एवरीथिंग इज़ ओके। तो ये छोटे से एक्शन का बड़ा सा असर मुझे दिख रहा है और दिखेगा आगे जाकर और भी। दिस इज़ कॉल्ड द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स यूजिंग दिस बटरफ्लाई मेथड और बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। तो प्लीज़ लेट मी नो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। और अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मे बी उनको हेल्प मिलेगी इस स्टोरी से, तो उनके साथ आप ये स्टोरी शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग टू यू।